और हम बार बार यही बोलते हैं कि जब तक हमारी जिंदगी रहेगी ये हम हमारे दिल में रहेंगे, कभी भी इनको मौका मिले पंजाब जरूर हमारे पास आकर जाना। जैसे कि आपने देखा हमारे पिछले न्यूज में भारत देश के अलग अलग राज्य के लोग आए थे जिनके साथ में धोखाधड़ी हुआ था, जिसके बाद विधायक गीता जैन और विक्रम प्रताप पुलिस स्टेशन में गए और मामला दर्ज कराए। अभी जो जो खबर आ रही है विधायक के कहने के बाद पुलिस तत्परता दिखाते हुए अभी तक 60 लोगों को पासपोर्ट वापस किया है। ये तो हो गया उनको पासपोर्ट दिलाने का काम और मामला दर्ज का काम। अब सवाल आता है कि ये लोग जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, आज का रात कहाँ गुजारेंगे। ये बात जब संदीप सिंह ने शिवसेना नेता विक्रम प्रताप सिंह राजू भोईर से की तो उन्होंने इनके रहने और खाने की व्यवस्था किया जैसल पार्क में ही। संदीप सिंह के साथ में सुबह से ही हैं, तभी तो उन्होंने इन सभी लोगों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था की। साथ आज सुबह ही जब हमको पता चला, अमरेश भाई फ़ोन किए तो हम लोग गए वहाँ चौकी पे। ये लोग बेचारे का FIR नहीं ले रहे थे। हम लोग पहले विक्रम भाई को फ़ोन किए कि भैया ऐसे ऐसे है, तो ये लोग गीता जैन के यहाँ चले गए। तो फिर हम लोग चौकी पहुँचे, तब तक आ गए लोग, तो ये लोग का FIR हुआ। फिर शाम को हम लोग खाने का इन लोग का बंदोबस्त किया, रहने का किया। विक्रम भाई ने हमको फ़ोन किए, बोले जो भी लगेगा तुम उनका व्यवस्था करो। तो हम लोग पूरा खाने का रहने का ये लोग का व्यवस्था किए हैं। यहाँ पे डिवाइन में ये बिल्डिंग है ना बाजू में, उसमें और खाने का पूरा व्यवस्था किए हुए हैं। खाना पे हैं लोग। सबसे पहले विक्रम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा कि उन्होंने पूरा पैसा भेजा और खाना का पूरा अरेंज उन्होंने करवाया। जो है जन भी आई थी जो है चौकी में, उन्होंने भी अपने हिसाब से मदद की। संदीप सिंह हमारे साथ सुबह से हमारे साथ है, उनका स्टाफ पूरा हमारे साथ है, सुबह से चल रहा है। हमें विधायक के पास भी देख रखे हैं, उन्होंने भी हमारी बातें सुनी है, हमारे सपोर्ट किया है। इन सभी जितना भी खड़ा लोग है सभी ने हमारा सपोर्ट किया है। यहाँ पर देखो हमारे सुबह से हमारे साथ चल रहे हैं और हमारे खाने पीने की रहने की भी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। इनका तो हम तेजी से शुक्र करता है, इतने हेल्प तो कोई कर नहीं करता, अपनों का नहीं करता। हम तो फिर भी परदेसी है, वो बहुत इनका देश से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत धन्यवाद। सुबह से भूखे धूप में सबसे हमारे साथ ही है, सुबह से हमारे साथ धूप में हमारी वो सिस्टर बैठे हैं। सुबह से हमारे सुबह के साथ हैं, हमारे साथ ही रहे, हर चीज हमारे पूरे साथ में, साथ साथ में देते रहे। हम दीदी का बहुत साथ में भैया दिल से थैंक यू करते हैं और हम बार बार यही बोलते हैं कि जब तक हमारी जिंदगी रहेगी ये हम हमारे दिल में रहेंगे, कभी भी इनको मौका मिले पंजाब जरूर हमारे पास। हमारा एजेंट ने पैसा मार लिया सब लोगों का, 200 आदमी है, 200 आदमी का एक एक लाख मार के ले गया। और सिंह साहब है, इन्होंने हमारी हेल्प की, थोड़ी बहुत खाने का व्यवस्था किया, खाने का खाना दिया, रहने की जगह दी, ठीक है। तो बाकी दिन कुछ सुबह सुबह बेकर में गया, सुबह के साथ साथ ही हमारे विधायक गीता जैन भी आए थे। हाँ वो भी आए, विधायक गीता जैन भी आए थे, वो भी हमारे साथ है। ये दीदी थी वो भी हमारे साथ ही थी। अब क्या कहोगे जो आपके लिए विक्रम प्रताप और राजू भोईर और सिंह साहब ने रहने खाने की व्यवस्था की है, उनके लिए बहुत बहुत लोगों ने बहुत 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 मदद की है। बहुत बहुत धन्यवाद। खाना भी दिया, रहने जितनी टाइम हमारी जिंदगी है उतना टाइम हम सभी को दिल में रखेंगे। हाँ दिल में बहुत
इन लोगों का सभी का धन्यवाद करते हैं, हम पंजाब से आए हैं। सब अच्छे सभी ने बहुत हमारी मतलब केयर किया, हमारा बहुत अच्छा ध्यान रखा और हमें हर मुसीबत से बचा के रखा, और हम सभी लोग इन सब का दिल से धन्यवाद करते हैं। इंद्र लोक चौकी में तो सभी बंदे भाई बंधु हमारे दुखी थे, कोई रो रहा था, कोई गा रहा था, कोई किसी का सुनवाई नहीं हो रहा था। हमने पहले विक्रम भाई को फ़ोन किए, विक्रम भाई ने बोले नौगा चौकी में जाओ। उसके बाद ये लोग ने गीता मैम के पास गए, गीता मैम के जाने के बाद वहाँ पे ये लोग ने उनसे हेल्प मांगे, गीता मैम विक्रम भाई दोनों नौगा चौकी में आए थे, उनके माध्यम से जो भी काम हुआ है।